Check out primefeed.in, your ultimate gateway for news, entertainment, tech, auto, and fashion. Yes. Good evening to you too, sir. How's it going? You're looking well. Yeah. Swag is on everywhere now. Yes, thank you. एक सेकेंड पहले इनको सवाल पूछने दो, ये बड़े ही अहम मेंबर हैं प्रेस के, समझे? हाँ, कहिए आप। आपको धन्यवाद। आज आपने परफॉर्म किया, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हमने जो परफॉर्म किया उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो पहले तो ये कह देते हैं कि अभी तक परफॉर्म किया नहीं, अभी जा रहे हैं करने के लिए, और फिर जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा तब आप खुद को पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म हुआ है। 22 तारीख का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। काहे लिए भाई? ओ, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। ओके, हमने सुना, कुछ बताना कहिए, कहना चाहेंगे? क्या बताना, क्या सुनना चाहेंगे आप? जो भी आप, क्या जो भी हम कहना चाहें सुनेंगे आप। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है सीक्वल टू कौन सी फिल्म? हाँ, एक था टाइगर, उसकी सीक्वल है, वो आएगी 22 दिसंबर को। उसके दोनों गाने रिलीज़ हो चुके हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, सब ने बड़ा पसंद किया उन गानों को, और अब देखेंगे कि 22 दिसंबर को फिल्म लगेगी, उसकी क्या डेस्टिनी उस फिल्म की। अरे रुक जाओ भाई, बड़े ही अहम मेंबर हैं प्रेस के। हाँ, अच्छा, बस हो गए आपके सवाल जी? तीन सवाल आते हैं, बच्चे हैं, कब घर पे आके लेके जाओगे? कांग्रेचुलेशन, 500 प्रभावशाली लोगों में आपका नाम आया है। किसमें? अच्छा, हमें ये बात पता नहीं है भाई, शुक्रिया, आप फॉलो करते हैं जी। सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ, कल ही कटरीना और मैं बिग बॉस पे थे, तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कुछ 50 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्वैग, क्या है वो, स्वैग सिस, स्वैग सिस स्वागत, और फिर एक दूसरा जो गाना है, रोमांटिक जो गाना है, वो भी दिखा दिया हमने बिग बॉस पे, उसका प्रीमियर कर दिया। अब वो देखें कि रोमांस कितना भरा है आप में कूट कूट के। हाँ, It's good. It's always good to romance. It's not good to fight. It's always good to romance. जी हाँ, जी हाँ, वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा आजकल, थोड़ा सा मुझे एक वायरल हो गया है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे इतना बुलवा रहे हैं, समझे आप? और फिर एक समिट के लिए चला गया था, फिर इफ़ी के लिए चला गया था, फिर बिग बॉस सैटरडे संडे को होस्ट करना पड़ता है, और फिर टाइगर की डबिंग चल रही, तो वो मुझे एक रेस्ट नहीं मिला, जो कि अब इंशाल्लाह कुछ 4-5 घंटों का रेस्ट मिल जाए और आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो इस आवाज़ से ज़्यादा यूज्ड मत होएं आप, मेरी ओरिजिनल आवाज़ भूल ना जाएं। जी हाँ, क्या करेंगे अब मेरे जन्मदिन, चलो के बाद।